औरंगाबाद महाराष्ट्र से है और मैं मुलाजिम हूँ कॉलेज में। अपनी सर्विस के अलावा मैं ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की तंजीम चलाता हूँ जिसको पिछले 25 साल हो चुके हैं। मेरी आज से इतनी दरख्वास्त है कि जो भी काम होता है वो अल्लाह करवाता है, हमारी कोई औकात नहीं है काम करने की। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, ये सारी बातें हैं नश्री वाली बातें हैं। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करूँगा कि अपनी तंजीम को मजबूत करें, अपनी तंजीम को चैरिटी रजिस्ट्रेशन रखे, ट्यूबल रखे, एटीजी रखे, एचसीआर रखे, नीति आयोग रखे, आईएसओ सर्टिफाइड रखे। कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर हो रहे हैं और एनजीओ को चाहिए कि वो अपने एनजीओ को मजबूत करें। बगैर फंड के कोई भी तंजीम नहीं चलती। तंजीम को चलाने के लिए फंड चाहिए और फंड लाने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए और डॉक्यूमेंट हमारे पास होते नहीं है। हम बेतहाशा मेहनत तो कर रहे हैं, हम लोग अपने एतराब में किसी को खाना पहुंचा रहे हैं, कोई लॉकडाउन में काम किया है, आपने अपनी जेब से या अपने एतराब से या खानदान से पैसे जमा करके उस जरूरतमंद की मदद किया है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अपनी तंजीम को मजबूत करें और हुकूमत के अंदर अपने नुमाइंदे भेजे। नुमाइंदे भेजे से मुराद है कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर नहीं, बल्कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर आईआरएस ऑफिसर आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि रेशो आपने देखा है 3.6 का रेशो पिछले साल का रिजल्ट है। ये अगर रिजल्ट आएगा तो हमारा मामला कैसा होगा? 14.2 हमारा रेशो है ऑल इंडिया के अंदर और 3.6 हमारा रिजल्ट है आईपीएस जो यूपीएससी के अंदर। तो हम लोग जो छोटे काम है, चाहे वो वैक्सीन का हो, चाहे दवा गोलियाँ हो, मेडिकल हो, कैंप हो, स्कॉलरशिप हो, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि हम इसके साथ साथ अपने हुनर बच्चों को चुन के उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर आप लोगों से अपन गुजारिश है कि अपने एनजीओ को स्ट्रॉन्ग करें। बहुत शुक्रिया फखरुज्जमान खान साहब।